जैसे कि अभी इन्होंने इसको क्लीन किया है पर्टिकुलर केमिकल से, जिससे कि इसका जो डस्ट है वो रिमूव हो जाए। रूफ पे इन्होंने जो काम किया है पीपीएफ का, वो येलो जो बोलते हैं ना, येलो पड़ जाती है जो इसकी स्किन, जो बॉडी है उस पे जो। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइज, आज हम आए हैं एक कार डिटेलिंग स्टूडियो में जो कि मॉडल टाउन में सिचुएटेड है। यहाँ पे बहुत सारा काम ऐसा होता है जो कि आपको इस मार्केट में नहीं मिलेगा। मींस यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे खासे स्पेस के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और आज हम इनके एक गाड़ी कवर करने आए हैं जो कि बहुत हॉट सेलिंग कार है, जिसका नाम है ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल में बहुत सारा काम हुआ है, तो आज के वीडियो में जो कंप्लीट डिटेल है पीपीएफ से रिलेटेड ग्रैंड विटारा की, वो कवर करेंगे। साथ ही साथ स्टूडियो की बात करेंगे। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कार के अंदर काम हो रहा है, जैसे कि स्कॉर्पियो एस क्लासिक जो 2022 में लॉन्च हुई थी उस पर भी काम चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्रेटा के अंदर भी काम चल रहा है। लाइक अगर सेरेमिक कोटिंग की बात करें या फिर ड्राई क्लीनिंग की बात करें, एंड्रॉयड स्टीरियो स्पीकर, बूफर, एम्पलीफायर, लाइटिंग, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस स्टूडियो के अंदर मिल जाएगा। बेसिकली मैंने इनके स्टूडियो पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जो कि आप इस चैनल पे देख सकते हैं, जहां पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट इनके पास है, क्या क्या रेंज इनके पास है और कार स्टूडियो के अंदर जो काम होता है वो क्या क्या है। कंप्लीट एक रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ पीपीएफ में ये लोग मास्टर है। पीपीएफ के मामले में मैंने देखा कि 5-10 गाड़ियां इनके पास हो रही है लगातार। वीकली अगर बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन ये कर रहे हैं। जैसे कि ये स्कॉर्पियो है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है कार म्यूजिक अप के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम बात कर रहे थे ग्रैंड विटारा की। तो ग्रैंड विटारा के अंदर जो पीपीएफ का काम है उसको बारीकी से कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। सो गाइस, ग्रैंड विटारा के अंदर आप देखेंगे काम स्टार्ट हो चुका है और रूफ के लिए यहाँ पे पीपीएफ तैयार किया जा रहा है। तो अभी हम जानेंगे कि जो पीपीएफ की क्वालिटी है वो क्या है। तो भाई एक बार बताओगे जो पीपीएफ आप इसमें यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है? सर, ये टीपीयू क्वालिटी की पीपीएफ है। टीपीयू, इसमें सेल्फ हीलिंग होती है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें छोटे मोटे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो सूरज की रोशनी से, धूप की गर्मी से ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेती है। ओके, एडजस्टेबल है, मींस ये रिमूव हो जाती है। वो जैसे कि लाइक मोबाइल पे जब टेम्पलेट लगाते हैं तो वो धूप या जैसे कि उसका बबल का जो एयर होता है वो निकलता है तो वो एकदम क्लीन हो जाता है। हल्के फुल्के स्क्रैच अगर इस पे आते हैं तो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, फिर से वैसी हो जाती है। तो आप देखेंगे ग्रैंड विटारा के अंदर काम हो रहा है और प्रोफेशनल टीम यहाँ पे काम कर रही है। तो इस स्टूडियो में सबसे अच्छी चीज कि आपकी जो कार है वो बिल्कुल सेफ है, प्रोफेशनल ढंग से काम किया जा रहा है। तो आपको यहां पे अच्छे खासे स्पेस के साथ अच्छा खासा वर्क मिलेगा। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी इन्होंने एक्सप्लेन की है, और काम की बात करें तो भाई बहुत अच्छी स्पीड से ये लोग काम करते हैं। मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं। आप अभी देखेंगे यहाँ पे एक स्कॉर्पियो खड़ी है, पीछे क्रेटा खड़ी है, उसके पीछे भी होंडा सिटी खड़ी है। तो जो टीम है, टीम काफी अच्छी है और प्रोफेशनल टीम है तो अच्छे से काम हो जाता है। कहीं ना कहीं एक जो डर रहता है ना कि नई कार में यार कोई काम करवाने जा रहे हैं, वहां पे प्रोफेशनल काम होगा कि नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं कार डिटेलिंग स्टूडियो में मॉडल टाउन के अंदर आपको 110% नहीं लगेगा वो डर। तो आप यहाँ पे आके काम करवा सकते हैं। और अभी ग्रैंड विटारा की बात करें तो रूफ पे इन्होंने जो काम किया है पीपीएफ का वो स्टार्ट कर दिया है, और ये डस्ट फ्री काम है। लाइक अगर यहाँ पे डस्ट का थोड़ा सा भी रोल रहता है तो ये पीपीएफ कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। मुझे लगता है पीपीएफ में अगर आप एक अच्छे स्टूडियो से काम करा रहे हैं तभी फिनिशिंग आएगी, बिकॉज अगर छोटा सा भी डस्ट रहता है इस गाड़ी की स्किन पे तो वो कहीं ना कहीं पीपीएफ में दिख जाता है। जैसे कि अभी इन्होंने इसको क्लीन किया है पर्टिकुलर केमिकल से, जिससे कि इसका जो डस्ट है वो रिमूव हो जाए। और ऊपर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से इसको सेट किया गया है, पर्टिकुलर साइज में इन्होंने इसको लगा दिया है। अभी इसी तरीके से आप गाड़ी के आगे आगे की साइड देखेंगे तो बहुत सारा काम हो रहा है। देखिए पीपीएफ में क्या होता है कि जो काम है वो बारीकी का काम होता है, मतलब 3-4 घंटे एक गाड़ी में लग जाते हैं। इवन अगर बहुत अच्छे से काम करोगे तो मुझे लगता है 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। बाकी इस गाड़ी के अंदर जो फाइनल पीपीएफ कोटिंग होने वाली है वो वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा, तो भाई वीडियो पूरा देखना। और अभी जो जो पार्ट ये कर रहे हैं उनके वीडियो मैं म्यूजिक के साथ आपको दिखाता हूँ। We'll be right back.
सो गाइस, कैसा लगा आपको विटारा के अंदर पीपीएफ का काम? टीपीएच टीपीयू में जो डिफरेंस था वो भी हमने एक्सप्लेन किया। मैं बता दूं आपको, टीपीएच थोड़ा सा सस्ता होता है और येलो जो बोलते हैं ना, येलो पड़ जाती है जो इसकी स्किन, जो बॉडी है उस पर, जो ये पर्टिकुलर पीपीएफ यूज करते हैं तो वो येलो अगर पड़ती है तो आप समझ सकते हैं वो टीपीएच है। और टीपीयू जो इन्होंने बोला वो बेहतरीन होता है, उसमें ये वारंटी भी 5 साल की देते हैं। लगभग 45,000 में ये लोग काम करके दे देते हैं, उसमें होम सर्विस भी आप ले सकते हैं। एनसीआर में सेम रेट रहेगा। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इनको बुलाना चाहते हैं तो भाई उसकी कॉस्टिंग आपको कॉल करके पता करनी पड़ेगी, नंबर है स्क्रीन पे, तो आप इनको पूछ सकते हैं। बाकी आपने जो सिनेमेटिक शॉट देखे, ये आफ्टर पीपीएफ है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मैटर करती है वारंटी पे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि 5 साल की अगर ये वारंटी दे रहे हैं भाई तो ये ऐसे ही नहीं देंगे, क्वालिटी पे इन्हें ट्रस्ट है। तो क्वालिटी काफी बेहतरीन है। और अगर आपको किसी भी कार की कोटेशन लेनी है तो कॉल करके आप कोटेशन ले सकते हैं, उसके बाद ही आए। बिकॉज अगर आप आते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे लाइक प्राइसिंग पसंद नहीं आ रही, ये वो, तो आपका भी नुकसान होगा। लेकिन क्वालिटी मैंने जस्टिफाई की है 3-4 वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि स्कॉर्पियो कवर की थी और हमने जो स्टूडियो वॉक अराउंड किया था, लाइक पूरा जो स्टूडियो देखा था, एक्सप्लोर किया था, उसमें भी बहुत सारी गाड़ियों के अंदर काम हो रहा था, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप 3-4 वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारी कार का काम हो रहा है और सेटिस्फेक्शन भी आपको क्लाइंट की दिख जाएगी। सो कार म्यूजिक आपको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको कार एक्सेसरीज से रिलेटेड या फिर बिजनेस सजेशन से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक, अब यहाँ मिलेगा सब।